प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, आपका लाठी चलानी है लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है पत्थर फेंकिए, आपको मुझसे जूते मारने हैं जूते मारने, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जब बुलडोजर चलने पर बीजेपी विधायक को पब्लिक ने घेर लिया तो विधायक जी को कहना पड़ा कि मैं निकम्मा हूँ, मुझे जूते चप्पल लाठी डंडे से मारिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में बिना नोटिस के बुलडोजर चलने के बाद से पब्लिक काफी गुस्से में है, चारों तरफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, काफी बवाल खड़ा हो गया है। इसी बवाल को कंट्रोल करने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह पब्लिक के बीच पहुंचे, लेकिन पब्लिक ने उन्हें घेर लिया। घिरने पर बीजेपी विधायक ने कुछ ऐसा बयान दिया है कि बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्या कहना है बीजेपी विधायक का ऊर्जा मंत्री का, पहले उनका बयान सुनिए, इसके बाद आपको बुलडोजर से उपजा विवाद बताते हैं। आप लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं छत्री बालक हूं, आप यहां कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना ये मुझे तोड़फोड़ में कुछ बोलना, आपका लाठी चलानी है लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है पत्थर फेंकिए, आपको मुझसे जूते मारने हैं जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। तो ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और समर्थक प्रद्युम्न सिंह, जो कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। आप देख सकते हैं कि बुलडोजरिया कार्रवाई के बाद जब वो पब्लिक के बीच घिर जाते हैं तो बयान देते हैं कि अगर मैं निकम्मा हूं तो मुझे गाली दीजिए, मुझ पर जूते चलाइए, डंडे मारिए, पत्थर मारिए, और अगर आपको ये लगता है कि मैंने काम नहीं किया है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देकर कुर्सी से बाहर हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या सिंधिया समर्थक और शिवराज सिंह चौहान के बीच ठन गई है? ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, हम आपको बताते हैं। पहले मामला समझिएगा, खबर देखिए पत्रिका की, इसमें लिखा हुआ है कि मंत्री बोले मुझे जूते मारे डंडे मारे, मैं निकम्मा हूँ। आगे इसमें खबर में देखिएगा कि ये बयान कहाँ पर दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि हजीरा स्थित किला गेट क्षेत्र में सड़क निर्माण में बाधा बन रहे मकानों को रविवार को अचानक तोड़ा जाने लगा, लोगों ने विरोध किया लेकिन पुलिस के सामने चुप हो गए, जेसीबी चली तो कांग्रेस नेता पहुंचे, उन्हें पकड़कर नजरबंद कर दिया गया। जिनके मकान दुकान टूटे उनमें नेताओं के प्रति जबरदस्त नाराजगी थी। सोमवार सुबह अचानक क्षेत्रीय विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहुंचे, लोगों का गुस्सा शांत करने उन्होंने भाषण दिया और खुद पर जूते लाठी पत्थर फेंकने तक की बात कह डाली। तो बयान में उन्होंने क्या कहा है आप सुन सकते हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऊर्जा मंत्री जी वहां पर पहुंचते हैं और जब पब्लिक से घिर जाते हैं कि यहां पर पब्लिक कहने लगती है कि यहां पर बुलडोजर चला दिया गया है, वो भी बिना नोटिस के, तो कैसे जवाब देते हैं, कैसे बयान देते हैं, आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि मुझ पर जूते चप्पल और डंडे पत्थर बरसाइए अगर मैं निकम्मा हूं तो। खबर में आगे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि लोग उनसे क्या सवाल करते हैं। पत्रिका में ही लिखा हुआ है कि ऊर्जा मंत्री से पूछा सवाल, तब आप कहां थे? ऊर्जा मंत्री के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा हम तो बर्बाद हो गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निगम प्रशासन ने बिना बताए तोड़फोड़ शुरू कर दी है, हमें इस समय तक नहीं पता दिया था, हमें मतलब उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी, अब आपसे आपके पास गए तो आप वहां से चले गए थे और जब कार्रवाई हो गई तो आप आज आ गए हो, आप पर विश्वास कैसे करें? तो इस तरीके के सवालों से प्रद्युम्न सिंह घिर जाते हैं कि आप कहां चले गए थे, हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया, हमें हमारा सामान उठाने की मोहलत क्यों नहीं दी गई। हर बार जब भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो इसी तरह के सवाल खड़े होते हैं। आप जानते हैं कि लोगों को मौका तक नहीं दिया जाता है कि वो अपना सामान उठा सके। जहांगीरपुरी में क्या हुआ आपने देखा, लगातार उत्तर प्रदेश में क्या होता है आप खबरों में देखते रहते हैं कि लोगों को इतनी मोहलत तक नहीं मिलती है
कि वो अपना सामान तक उठा सके, इससे उनके आशियाने तक उजड़ जाया करते हैं। वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी हुआ है और प्रद्युमन सिंह पहुंचे हैं तो उन्होंने ये बयान दिया है। इसके आगे वो जवाब में क्या कुछ कहते हैं जब पब्लिक उन्हें घेरती है, उनके आगे का बयान सुनिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि ये पहला मौका नहीं है कि प्रद्युमन सिंह ने इस तरह का बयान दिया है, वो पहले भी ऐसे बयानों के जरिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घेर चुके हैं। सुनिए, आपको गाली देनी है आप गाली दीजिए, आपको जो कहना है वो करिए, मैं आपके साथ हूं। तो देना चाहिए कोई ना, पहले कम से कम मेरा आपसे आग्रह। अभी बात सुन रहे हैं आप बात सुन लीजिए। अभी भी आपके कुछ साथी मेरे पास आए, मैंने उन साथियों से कहा, और पहले भी मालूम है कि इससे पहले भी स्तर रख करके मैंने कहा था, देखो ये मैं रहूं या न रहूं ये प्रशासन कार्रवाई करेगा। आप लोगों ने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी, ये बात भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। चार बार साल भर से काम ये डेढ़ साल से रुका पड़ा रहा, मैंने कभी भी आपको कुछ नहीं कहा। प्रशासन ये कहने लगा कि आप हमें काम नहीं करने दे रहे हो। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह। इनका कहना है कि मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने कहा कि आप हमारे काम को रोक नहीं सकते हैं। तो इन बयानों के बाद से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनके और शिवराज सिंह चौहान के, प्रशासन के बीच, शिवराज सिंह चौहान के बीच ठन गई है। जैसा कि कमलनाथ सरकार में आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच, कैसे खींचतान हुई, वैसा ही कुछ क्या मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रद्युमन सिंह ने इस तरह का बयान दिया है, पहले भी वो अपनी ही सरकार की पोल खोलते हुए चप्पल और जूते का त्याग कर चुके हैं। क्या बयान दिया था खबर देखिए दैनिक भास्कर की। इसमें लिखा हुआ है कि ऊर्जा मंत्री ने सड़क बनने तक त्यागे जूते चप्पल, इंजीनियर बोला 3 महीने करना होगा इंतजार। तो इसके बाद इन्होंने जब सड़कें नहीं बन रही थी, सड़कों के हालात तो आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश में कितने खराब हैं, हम आपको आए दिन खबरें दिखाते रहते हैं, जब ऐसी खबरों का पूरा अंबार बढ़ गया तब ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक यहाँ की सड़कें नहीं बन जाती हैं। तो आप देखिए कि इंजीनियर का ये नहीं कहना था कि तुरंत बनाते हैं, उन्होंने कहा कि 3 महीने तक का इंतजार करना होगा। तो इस तरह की खबरें और इस तरह के बयानों के बाद ऐसा लगने लगा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच ठन रही है, क्या एक बार फिर से खींचतान मच चुकी है। इस तरह के बयानों पर आपका क्या कहना है, जो बयान सामने आया है बीजेपी विधायक का उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जरूर से जरूर बताएं। और इस पर भी बताएं जो बुलडोजर की कार्रवाई है इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, हर बार लगभग नोटिस नहीं दिया जाता है, लोगों को बताया नहीं जाता और ये बुलडोजर चलाया जाता है, जिस पर बुलडोजर चलाना है उस पर नहीं चलता है, लेकिन हाँ बुलडोजर कैसे चलता है, कैसे काम करता है ये आप जानते हैं, और इसी बुलडोजर की कार्रवाई से कैसे सरकार घिर रही है और कैसे बयानबाजी कर रही है ये आप देख सकते हैं। इस पूरी खबर पर, इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।